दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंट्राडे कोच में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर रोज़ लेवल्स देता हूं, बैंक निफ्टी के और क्रूड ऑयल के लेवल्स मैं आपको रोज़ देता हूं। दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि लोगों ने मेरे से शिकायत की है कि जैसे ही मैंने आपका योर इंट्राडे कोच चैनल ज्वाइन किया वैसे ही मेरे पास एक मैसेज आया, और ये मैसेज जो आते हैं वो मैसेज में लोग आपको कॉल खरीदने के लिए बोलते हैं, मतलब वो लोग आपको कॉल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों वही सेम लेवल देते हैं जो मैं आपको फ्री में अपने चैनल पर देता हूं। आप देख सकते हैं ये किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है, जस्ट गॉट कॉल फ्रॉम एमपी नंबर फॉर क्रूड ऑयल, लेवल गिवन बाई फ्रॉम 4055, टारगेट 4072, 4088, रियली स्ट्रेंज सर, अगेन योर लेवल। क्या करूं मैं? मैंने लिखा क्या करूं मैं? फिर मैंने लिखा मुझे लगता है लेवल देना बंद करना पड़ेगा, कॉल प्रोवाइडर मेरे लेवल देकर लोगों से पैसा ले रहे हैं, आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो बताएं। यहाँ पर देखिए सर, तो ये जो चीज़ें हैं मुझे अच्छी लगती हैं सर, आपके वीडियो देखकर एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से आज प्रॉफिट बुक किया, थैंक्स सर। तो मेरे लेवल से सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग ट्रेड करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग मेरे लेवल से ट्रेड करते हैं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास कॉल ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। अगर मैंने कॉल देना बंद किया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो सीखना चाहते हैं मार्केट को। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि आप सर कॉल देना बंद कर दीजिए, या आप अपने प्राइवेट ग्रुप में कोई कॉल दीजिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो भी, अब देखिए यहाँ पर मैसेज आया है सर 6-7 दिन पहले मुझे भी कॉल आया था, सेम आपका ही लेवल मैंने चेक मैच किया, इंदौर से कॉल था। तो दोस्तों ऐसा लोग जो कर रहे हैं उनको मैंने, मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेज आए, वो कहते हैं कि सर आप क्या करिए, आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दीजिए, उस पर आप कॉल दीजिए। सर मेरा मानना यह है कि अगर मैंने कॉल देना बंद किया तो ऐसे हज़ारों लोगों का नुकसान होगा जो मेरे कॉल्स पर या मेरे लेवल्स पर ट्रेड करते हैं। और एक्चुअली में मैंने ये लेवल्स उन्हीं के लिए मैं देता हूँ जो कहीं ट्रेनिंग नहीं ले सकते, जिनके साथ पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनके लिए। तो ये इसका मुझे सॉल्यूशन नहीं समझ में आया कि मैं अपने ये लेवल्स इस चैनल पर देना बंद कर दूँ और मैं अपना एक प्राइवेट ग्रुप बना लूँ। आप ही में से मुझे एक सज्जन ने एक सुझाव सुझाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो सुझाव ऐसा है कि जिससे लेवल देना भी बंद नहीं होंगे, और जो कॉल्स बेचते हैं उनको भी कम क्लाइंट मिलेंगे। और उनका सुझाव ये था कि सर जितने आपके चैनल से, इस समय मेरे चैनल पर 3160 मेंबर हैं, कह रहे सर जितने इस चैनल पर मेंबर्स हैं वो तो आपके कॉल्स लेवल्स रोज ही देख लेते हैं, तो निश्चित सी बात है कि इनको कोई भी कॉल प्रोवाइडर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, अपने लेवल नहीं बेच पाएगा। मैंने बोला सही कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि सर क्यों ना आप अपने वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलें कि इस योर इंट्राडे कोच डिस्कशन चैनल को इतना ज़्यादा फैला दो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन हो जाएं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन हो जाएंगे और वो इन लेवल्स को रोज़ सुबह देख लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल प्रोवाइडर से कॉल नहीं लेंगे। मुझे उनकी बात समझ में आई, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका जो लिंक है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उस लिंक को आप अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो कॉल प्रोवाइडर से कॉल नहीं लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये चैनल पसंद आता है, उनके पास जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में शेयर कर दें। साथ ही साथ उस ग्रुप में ये भी लिख दें कि जिस ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं, जो इसमें ज्वाइन हो रहा है वो भी आगे एक ग्रुप में शेयर करता चला जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस ग्रुप में आ जाएंगे तो उनको कॉल प्रोवाइडर्स बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का मेरा जो ट्रेड है वो ये ट्रेड है। मैंने आज आपको सुबह बोल दिया था, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको जिस समय लेवल दिया था तो मैंने आपको बोला था आज स्टील सेक्टर भाग सकता है। जिंदल स्टील, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, और आपने देखा होगा कि ये तीनों के तीनों सेक्टर आज पॉजिटिव थे और ऊपर गए। मैंने भी उस समय बाइंग की थी, लेकिन उस समय ये जेएसडब्ल्यू स्टील ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा था तो मैं एंट्री लेकर और एग्ज़िट हो गया। उसके बाद मैंने एसआरटी में एंट्री ली, उसको भी एग्ज़िट हो गया, और मैंने ये 10:10 को आपको ये पोस्ट कर दिया था और मैंने लिखा भी था आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी एग्ज़िट हो गया। असल में क्या है, मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 12 से 15 सितंबर के बीच में, और 1 सितंबर से उसके रजिस्ट्रेशन ओपन होने हैं। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उनके कॉल्स की वजह से मैं इनमें से जल्दी एग्ज़िट हो गया। उन लोगों से मुझे बात करना थी। उसके बाद फिर मैंने बाद में और ट्रेड किया, और उस ट्रेड में करने के बाद मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो है 17,158। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल बैंक में ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये ट्रेड मैंने कब, कैसे और क्यों लिए। चलते हैं अपने ग्रुप पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं। पहले मैं इसको रिफ़्रेश कर दूं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत सतर्क रहते हैं कि कोई उनको बेवकूफ़ ना बनाए। मैं भी चाहता हूं कि आप ठोक बजा करके, समझ करके किसी भी चैनल को देखिए और उसे अपनाइए। तो मैं इसको बार बार रिफ़्रेश कर देता हूं। और मैं तो वैसे भी सारा कुछ डिटेल से बताता हूं आपको। यहाँ के अलावा मैं तो अपनी आपको फ़ंड भी दिखा देता हूं। आपको यहाँ पर 17,158 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मैं फ़ंड पर जाता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा 61,435 रुपये था। रियलाइज्ड प्रॉफिट आप देख सकते हैं 17,158, यहाँ पर भी 17,158, और इस 61,435 में 17,158 जोड़ देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मेरा सब कुछ खुला रहता है, मैं कोई चीज़ आपसे छुपाता नहीं हूँ, सारा का सारा आपके सामने है। तो अगर आप मेरा प्रॉफिट देखें तो 60,000 के आसपास अमाउंट था, 18,000 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा कम है, 17,158 है। तो 60,000 का अगर हम 30% करें तो 30% होता है 18,000 के आसपास, मतलब 28% का मुझको प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा था, उससे मैंने लगभग 28%, 25 से ज़्यादा % का मैंने प्रॉफिट किया है। अब ये प्रॉफिट कैसे कैसे किया, सबसे पहले तो लोगों का पूछना होता है कि सर आपने स्टॉक का सिलेक्शन कैसा किया। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और एसआरटी ये मैंने कैसे किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनएसई की साइट पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया। ये देखिए, एनएसई की साइट पर प्री ओपन सेशन देख रहे हैं आप, ये लिखा है प्री ओपन सेशन, यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। प्री ओपन ऑर्डर कैंसिलेशन क्लोज 30 अगस्त है आज। 30 अगस्त को 9:07 पर ये क्लोज हो गया था, जो प्री ओपन सेशन था। जरा ध्यान से देखिए, प्री ओपन सेशन में आपको क्या दिख रहा है। टाटा स्टील दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील दिख रहा है, नीचे आप जाएंगे तो टाटा स्टील भी आपको दिख रहा है। तो ये इसका क्या मतलब, ये टॉप गेनर में थे। मार्केट ओपन होने के पहले इनमें हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, ये लाख में, मतलब इसका वॉल्यूम भी था, कई लाख लोग इसको ट्रेड करने वाले थे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको किन स्टॉक्स में आज ट्रेड करना है। क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा था तो हम इसमें बाई साइड के देखेंगे, अगर मार्केट निगेटिव ओपन हो रहा तो इस % चेंज पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि किन में हमें सेल के लिए जाना है। तो यहाँ से हमको पहले से एक आइडिया लग गया था कि मुझे आज किन में ट्रेड करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि आज स्टील सेक्टर भाग सकता है, और स्टील सेक्टर मैंने आपको दे भी दिया था कि जिंदल स्टील, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। जिंदल स्टील में मैंने ट्रेड भी किया। बाकी उसके अलावा मेरा खुद का अपना एक स्कैनर है, उस स्कैनर की मदद से हमें लाइव मार्केट में स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो उन स्टॉक्स से मुझको इंडस्ट्रियल बैंक मिला था और एसआरटी मिला था। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में एंट्री ली थी, 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हम आपको बता देते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में ये पहली जो कैंडल बनी थी हमारी, ये कैंडल ऊपर ओपन हुई थी, नीचे लो बनाया और यहाँ पर जाके इसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ इस जगह इसने क्लोजिंग दी, लेकिन जिस जगह क्लोजिंग दी उसके बाद ये लगातार हायर हाई बनाने लगा। तो मैंने इसको इस कैंडल पर एंट्री की, इस वाली कैंडल पर। आप देख सकते हैं कि आपको रेट भी दिखा दूं मैंने कहाँ एंट्री की। जेएसडब्ल्यू स्टील को मैं इन्फॉर्मेशन पे चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 15.63 रुपये पे बाई किया था और 15.90 रुपये पे निकल गया। जल्दी निकलने का कारण क्या था मैं वो भी आपको बता दूं कि मैंने इस कैंडल पर एंट्री ली और इस कैंडल पर आपने देखा कि इनडिसीजन की स्थिति थी। ये डोजी टाइप की कैंडल बन रही थी, यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हुआ था कि लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी फिर डोजी कैंडल बन गई, तो मैंने इससे निकल जाना ही उचित समझा। आप लोग मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जानते हैं, मैं 2 से 3 कैंडल के अंदर मार्केट से बाहर हो जाता हूं, मैं ज़्यादा देर मार्केट में नहीं रहता। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री लेने का कारण क्या था, जिसने हायर हाई पैटर्न बनाना शुरू किया था और जब इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट चला गया तो मैंने इसमें बाई कर लिया। और इस कैंडल में इंडिसीजन की स्थिति थी, इस कैंडल में भी इंडिसीजन की स्थिति थी। हो सकता था कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे चली जाती, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि सेफली ट्रेड करना और 2-3 कैंडल से ज़्यादा। तो मैं इस कैंडल पर निकल गया। दूसरी बात करते हैं, देखिए उसी का एक फ़ायदा है। मैंने देखिए 5 ट्रेड किए, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों ट्रेड पॉजिटिव गए, 17,158 का प्रॉफिट हुआ। ये केवल प्रैक्टिस से ही संभव है। दूसरा हम बात करते हैं एसआरटी की, कि मैंने एसआरटी क्यों लिया था और कहाँ पर लिया था। पहले देख लें कि एसआरटी का क्या प्राइस है हमारा। एसआरटी के इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। एसआरटी हमने 965.40 रुपये पर लिया था और 968.90 रुपये पर मैंने सेल कर दिया। एसआरटी को हमने यहाँ पर लिया था 900। ये देखिए आप, यहाँ पर इसने लगातार हायर हाई बनाया, इसके बाद इस रेड कैंडल बनी और मैंने इस कैंडल पर इसमें एंट्री ली थी 965.40 रुपये के आसपास मैंने एंट्री ली। ये कैंडल ने 966.50 बनाया और जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई मैं अपनी जो भी मैंने एंट्री ली थी उससे एग्जिट हो गया। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 कैंडल में मैं बाहर हो जाता हूँ। इसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी में अपनी, ये मैंने 1 बजे के बाद शायद एंट्री बनाई थी, क्योंकि मैं उसके बाद मार्केट से उठ गया था। मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था, ये देखिए 10:10 पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया था। मेरे को 4,200 का प्रॉफिट हो गया था और मैं इतने में संतुष्ट था, मैं उठ के चला गया था। उसके बाद मैं 12-1 बजे के बाद जब मैं आया तो मैंने देखा तो मुझे कुछ एंट्री बढ़िया दिख रही थी, तो मैंने एंट्री ले ली। क्या थी बढ़िया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी में ली, पहले MIS ऑर्डर में ली, आप यहाँ पर देख सकते हैं MIS ऑर्डर में ली। उसके बाद चूंकि आपको पता है कि मेरा फंड मात्र में 50-60 हज़ार रुपये रखता हूँ, फंड कम था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, पोजीशन पे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने इंडस्ट्रियल बैंक का एक फ्यूचर ले लिया था। उसके बाद मैं एक बैंक निफ्टी और बाई करना चाह रहा था, लेकिन वो बैंक निफ्टी बाई नहीं हो रही थी फंड कम होने की वजह से, तो मैंने उसको CO पे बाई कर लिया। आपको दोनों बैंक निफ्टी के मैं रेट दिखाता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन। ये देखिए 313.95 रुपये पे बाई किया था और 499.65 रुपये पे सेल कर दिया। पहले इसकी बात करते हैं कि क्यों हमने इसको बाई किया था। ये देखिए 1 बजे के बाद मैंने इसको यहाँ पर बाई किया था। ये देखिए ये मार्केट ये ऊपर गया, ऊपर जाके ये फिर से रिट्रेस हुआ और रिट्रेस होने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये कैंडल पर आया, इस कैंडल पर मैंने इसमें एंट्री ले ली। तो आप देख सकते हैं कि कितने पे एंट्री, मैं फिर से भूल गया, 316.95 रुपये पे मैंने एंट्री बनाई थी, 316.95 रुपये पे। मतलब सीधी सी बात है कि इस कैंडल पर ये देखिए हायर हाई बना रहा है, इस कैंडल पर मैंने एंट्री बनाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है 339 रुपये और लो है 272 रुपये। मतलब इस कैंडल पर मैंने एंट्री बनाई और 499 पे मैं निकल गया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कैंडल 468 की है और ये कैंडल 539 की है। मतलब इस कैंडल पर जब इसने लगातार हायर हाई बनाया, इस कैंडल पर मैं बाहर निकल गया, क्योंकि इस कैंडल पर जैसे ही ये मार्केट नीचे आया तो मेरे को रुकने का कोई मतलब नहीं था। तो आप देख सकते हैं मैंने इस कैंडल पर एंट्री बनाई और एक दो तीन कैंडल में मैं बाहर हो गया। तो आप ये देखिए कि मेरी एंट्री बनाने की जगह क्या होती है। जब भी मैं एंट्री बनाता हूँ उसके 5 मिनट के अंदर ही मार्केट मूव करना शुरू कर देता है, और अगर मूव नहीं करता है तो आपने मेरा पहले वाले केस में देखा कि मैंने उस पहले वाले केस में JSW वाले केस में मैं दूसरी तीसरी कैंडल पर अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा था तो मैं तुरंत एग्जिट हो गया। उस समय मुझे 1100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अगर 1100 रुपये का लॉस भी हो रहा होता तो मैं उससे एग्जिट हो जाता। मुझे वेट करना पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल एंट्री बनाने के बाद अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मार्केट जो है वो मेरे डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मैंने आपको इस बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, इस बैंक निफ्टी के बारे में बता दिए। ये भी मैंने वहीं लिया था, ये देखिए 316.95 रुपये पे और 491 पे। वो 499 पे मैंने सेल किया था, ये 491 पे। तो 316.95 रुपये, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये भी इसी कैंडल पर मिलेगा। देख लीजिए, इसी कैंडल पर मैंने दूसरा भी बैंक निफ्टी बाई कर लिया था, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि ये इसके हाई को तोड़ेगा तो ये इस हाई तक जाएगा, और ये इसी हाई तक गया। उसके बाद नीचे आया, यहाँ दोबारा एंट्री मिलती, लेकिन उसके बाद में मार्केट से बाहर हो गया। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई, और अब मैं बात करता हूँ आपसे इंडस्ट्रियल बैंक की। ये इंडस्ट्रियल बैंक का भी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। मैंने इसको 1348.22 रुपये पे बाई किया है और 1355.35 रुपये पे निकल गए। 1348.22 रुपये, ये भी मार्केट में यहीं की सिचुएसन है। देखिए इस कैंडल पर 1300, यहाँ पर आप देख लीजिए 1348 रुपये कुछ पैसे पे मैंने बाई किया। ये सॉरी, फिर से चेक कर लूँ मैंने कहाँ बाई किया था, सॉरी मैं भूल गया। इंडस्ट्रियल बैंक, हाँ सॉरी, ये इंडस्ट्रियल बैंक का चार्ट है। मैं SRT खोल रहा था, इसको फिर से देखना। 1348.22 रुपये पे मैंने बाई किया है इंडस्ट्रियल बैंक, 1348.22 रुपये पे। ज़रा देख लीजिए आप, वही समय है जहां पे मैंने इसको बाई किया है। देखिए इस कैंडल पर मैंने बाई किया, क्यों किया बाई? ये देखिए यहां से ये मार्केट नीचे लगातार आया, यहां पर इसने एक विक बनाई, विक बना के ये ऊपर जा रहा था। तो जब ये ऊपर जाने लगा, यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, रेड कैंडल में बड़ा सा विक बना, विक बनने के बाद ये मार्केट ऊपर ओपन हुआ। मैंने यहीं पर इसमें खरीद लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1348 रुपये इस दोनों के बीच में आ रहा है। मैंने यहाँ इसको बाई किया और इस वाली कैंडल पर मैं निकल गया, इस वाली कैंडल पर मैं निकल गया। इस कैंडल पर बाई किया, इस कैंडल पर निकल गया। 1 2 3 कैंडल, मतलब 5 10 15 मिनट। मैं ज़्यादा देर मार्केट में रुकता ही नहीं है, रुकने की क्या ज़रूरत है? आप देख सकते हैं 3000, 1000, सब 5700, 3700, 3492, 3-3000 करके भी आपने 17,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। जरूरी थोड़ी है कि आप एक ही ट्रेड में 15,000 कमाओ या एक ही ट्रेड में 20,000 कमाओ। आपको सेफली ट्रेड करना है, तो दिमाग में ये रखना चाहिए मैं जो भी ट्रेड लूँ पॉजिटिव लूँ, मार्केट मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जाए उसके पहले मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँ। तो आपको पता चल गया कि मैंने ये पांचों किस तरह से लिया, क्यों लिया, कहाँ पर लिया और कहाँ पर बेचा, और मेरा ये 28% के लगभग इसमें प्रॉफिट हो गया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं आप लोगों के लिए कॉल पुट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस क्या है, कर तो मैं बहुत समय से रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ अब नया देखने की कोशिश की है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये देखिए मेरा आस्था का अकाउंट है, और इसमें मैंने आज 26,400 की पुट में 2319 रुपये का प्रॉफिट किया है। मैंने परसों ही अभी इसको अकाउंट को ओपन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा है, यहाँ पर डेट वाइज आपको पता होगा। ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, अर्चना चौरसिया मेरी वाइफ का नाम है। और ये देखिए आप 28 तारीख को मैंने इसमें 20,000 रुपये डाले हैं, और कुछ नहीं। अभी 28 तारीख मतलब कल परसों 28 तारीख को मैंने इसको ओपन किया है अकाउंट को, और 28 तारीख को मैंने इसमें पहली बार 20,000 रुपये इसमें डाले। 28 तारीख को मैंने एक ट्रेड किया, आप देख सकते हैं 368 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ आपको बता रहा हूँ। इसको अगर ये इसका बिल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारा कुछ आपके आँखों के सामने हो, किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं हो। तो अगर ये बिल ओपन हो जाए तो मैं आपको बिल भी दिखा दूँ। हो जा भाई, अभी नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 28 तारीख को मैंने 20,000 रुपये इसमें क्रेडिट किया, बैलेंस 20,000 था। 28 तारीख को मेरा प्रॉफिट 368 रुपये हुआ, क्योंकि मैंने चेक किया था कि ये कैसे इसमें बाई किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। तो अकाउंट मेरा 20,368 रुपये हो गया। फिर मैंने 29 तारीख को इसमें एक ट्रेड किया, 2,226 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मिला के 22,594 रुपये हो गया, है ना। 29 तारीख को अमाउंट ट्रांसफ़र ये 400 रुपया इनने डेबिट कर लिया हमारा। ये 400 रुपये डीमेट अकाउंट का शायद चार्ज था, लेजर का चार्ज है इनका कुछ। तो इन्होंने ये 400 रुपये 29 तारीख को माइनस करके 22,194 रुपये कर दिया। तो ये 29 तारीख की ट्रेड थी। और आज की ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 30 तारीख की ट्रेड 2,319 रुपया ये मेरे का आज का प्रॉफिट है। तो ये कॉल पुट में आपने देखा कि 3 दिन से मेरा लगातार प्रॉफिट हो रहा है। आगे इस पे मेरी रिसर्च जारी है, जैसे ही कुछ होगा मैं आप लोगों के सामने फिर से इसको हाजिर करूँगा। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और सबसे खास बात, जो कॉल प्रोवाइडर कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को और उनसे पैसा ले रहे हैं, उस चीज़ का पैसा ले रहे हैं जो चीज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आप लोगों को अभी फर्ज बनता है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरा ये योर इंटरडे कोच डिस्कशन का लिंक आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सब ग्रुप में आप इसको फैला दीजिए। उससे ये बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे आप लोगों का भला कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप लोगों का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा, ये हमेशा सोचिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इस चैनल का लिंक आपके जितने ग्रुप हैं, जितने दोस्त हैं, जितनों को आप जानते हैं, सब जगह इस ग्रुप चैनल का लिंक फैला दीजिए। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे। और जितने ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे उनको कॉल प्रोवाइडर बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मेरे चैनल पर ये लेवल्स आप फ्री में मिलते हैं। और वो ये लेवल्स देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल प्रोवाइडर से वो कॉल नहीं लेंगे। यानी कि आप उनकी मदद कर रहे हैं पैसा बचाने में। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट थी। इसी के साथ मैं इसको एंड करने के पहले एक चीज़ और बता दूं। बहुत से लोग मुझको कॉल करके पूछते हैं कि सर आपका कब से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसी चैनल पे बता देता हूँ, 12 से 15 सितंबर के बीच में हमारा बैच स्टार्ट होगा। अगला 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, और उस रजिस्ट्रेशन की लिंक की जानकारी मैं इसी योर इंटरडे कोच डिस्कशन वाले टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा। और आपको सिर्फ इतना करना है, 1 तारीख को कॉल करना है। और कॉल करने के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा। जो लोगों को जानकारी नहीं है, मैं उनको बता दूं कि मेरा पूरा डिटेल मैं बता देता हूं। मेरा ये बैच जो होता है वो 1 मंथ का मेरा कोर्स होता है। अल्टरनेट डे पे मेरी क्लासेस चलती हैं, जिसमें हमारी 15 दिन थ्योरी होती है, 15 दिन वेबिनार होते हैं। और इस 1 महीने के दौरान मैं आपको चार्ट के ऊपर एक सेटअप देता हूँ, जिस सेटअप से मैं ट्रेड करता हूँ। उस सेटअप के अकॉर्डिंग 3 टाइप से एंट्री बनती है, 3 टाइप से एग्जिट बनती है, 1 स्टॉप लॉस और 1 टारगेट होता है। और इसकी प्रैक्टिस चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों से कराता हूँ। उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि एक तो आपको चार्ट रीड करना आ जाता है, और जब आप चार्ट रीड करना सीख जाते हैं तो फिर आपके सामने चार्ट किसी भी चीज़ का ओपन हो, वो क्रूड है, कॉपर है, इक्विटी है, करेंसी, आप सब में ट्रेड कर पाओगे। और क्लासेस का जो टाइमिंग होता है वो मेरा रात के 8:30 बजे से 10 बजे तक होता है। सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। मैं आपको एक लिंक देता हूं, उस लिंक के द्वारा आप मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट बैच मेरा 12 से 15 सितंबर के बीच में स्टार्ट होने वाला है। और 1 सितंबर से मेरे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, जिसकी सूचना मैं आपको योर इंटरडे कोर्स डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा। केवल ये मेरा पूरा डिटेल है कि मैं कैसे कैसे क्लासेस देता हूँ। और केवल आपको फीस के लिए मुझे कॉल करना है, तो फीस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फीस बता दूंगा कितनी है, नॉमिनल फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। और आप 1 तारीख को कॉल करके सितंबर वाले बैच में कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये बंद करता हूँ। धन्यवाद।